गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर होल नंबर एंड क्यू ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर को अगर ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे ए और बी जो है वो होल नंबर होना चाहिए। ए और बी होल नंबर। होल नंबर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि होल नंबर क्या होता है, कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव टिल इन्फिनिटी, ये क्या होता है, हमारा होल नंबर होता है। मतलब कि नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर होता है। तो यहाँ जो ए और बी है वो होल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना है कि बी जो है वो जीरो कभी नहीं होगा। यानी अगर हम जीरो बाई फाइव ले रहे हैं तो जीरो बाई फाइव हमारा एक फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हम लिख दें कि फाइव बाई जीरो तो फाइव बाई जीरो फ्रैक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं फ्रैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, यानी किसी भी होल का एक पार्ट जो होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर यहां पे एक एग्जांपल लें सर्कल, अगर इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो इस पार्ट को और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि पार्ट ऑफ होल है। ये भी एक किसी होल का एक पार्ट है और ये भी किसी होल का पार्ट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको वन बाई टू, मतलब किसी भी होल को हम लोग कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, दो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, और ये कौन सा पार्ट है, एक पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई टू। तो ये वाला भी हो जाएगा आपका वन बाई टू। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। इट इज रिटेन रिटेन इन फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी होल का एक पार्ट होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो यहाँ न्यूमिनेटर क्या होता है कि नंबर ऑफ सेलेक्टेड पार्ट, यानी जो पार्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा कौन शो करता है, न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, यानी कितने इक्वल पार्ट्स में हम किसी भी होल को डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिनोमिनेटर बताता है। अब अगर यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लें, एक स्क्वायर है और इसको हम क्या कर दिए, फोर इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, फोर इक्वल पार्ट्स में बांट दिए। तो जो इक्वल पार्ट्स फोर इक्वल पार्ट्स में बांटे हैं वो कौन शो करेगा, डिनोमिनेटर। अगर इसमें से हम इस पार्ट का पूछें, इस पार्ट को हम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या फ्रैक्शन होगा, यानी नंबर ऑफ सेलेक्टेड पार्ट कितना है, वन, और टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितना है, फोर, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वन बाई फोर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये वन बाई फोर है, ये पार्ट को भी हम लोग बोल सकते हैं वन बाई फोर, इस पार्ट को भी हम लोग बोल सकते हैं वन बाई फोर, इस पार्ट को भी हम लोग बोल सकते हैं वन बाई फोर। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो न्यूमिनेटर शो करेगा सेलेक्टेड पार्ट, नंबर ऑफ सेलेक्टेड पार्ट, और डिनोमिनेटर जो शो करेगा वो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। यानी कब जब भी किसी भी होल को हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। अगर अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन,
दूसरा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन, चौथा हम लोग पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन, पांचवा पढ़ेंगे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन। और छठा पढ़ेंगे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट जो टाइप है क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी वैसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो क्या होगा, लेस होगा डिनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल 3/5, 7/13, 18/25, यानी यहाँ जो ये तीन फ्रैक्शन है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, कम है। इसमें भी न्यूमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से कम है। तो जो जिस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, उस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, यानी डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमिनेटर, यानी इसमें क्या होगा, न्यूमिनेटर ज्यादा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि न्यूमिनेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी न्यूमिनेटर क्या होगा, वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, उस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं 5/3, 13/7, 25/8। अब इस फ्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो नेक्स्ट है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं 3/1/2। यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्या है, एक होल नंबर है, और 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो 5/3/7, ये भी आपका मिक्स फ्रैक्शन है। यहाँ 5 क्या है, होल नंबर है, 3/7 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है कि मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।